नमस्कार दोस्तों, मैं मंदीप सिंह, स्वागत है आपका के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि संगीत किसे कहते हैं और उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम दो नेक्स्ट टॉपिक और करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और सेकंड जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा अलंकार। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वर्ण और सेकेंड रहेगा अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्त हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण है हमारे पास गाने की क्रिया, गाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ण। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है। वर्ण किसे कहते हैं, जो दो नंबर में आएगा आपका सिलेबस में, गाने की क्रिया को वर्ण कहा जाता है। वर्ण नेक्स्ट चार प्रकार से होते हैं। एक होता है स्थाई वर्ण, उसके बाद सेकंड होता है आरोही वर्ण, थर्ड आता है अपने पास अवरोही वर्ण और फोर्थ में आएगा आपके पास संचारी वर्ण। दोस्तों सबसे पहले हम स्थाई वर्ण की बात करते हैं। स्थाई वर्ण में क्या होता है, जब हम किसी एक ही स्वर पर बार बार, जब हम किसी एक ही स्वर पर बार बार आकर ठहरते हैं तो वो क्या होता है, स्थाई वर्ण होता है। एक ही स्वर पर बार बार ठहरना, रुकना क्या कहलाएगा, स्थाई वर्ण कहलाएगा। उसके बाद आता है अवरोही वर्ण, स्वरों के नीचे से ऊपर क्रम में जाने को क्या कहेंगे, अरोही वर्ण। जब हम स्वरों में नीचे से ऊपर की ओर जाना क्या कहलाएगा, अरोही। या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि स्वरों का नीचे से मतलब चढ़ते क्रम में, जो स्वरों का चढ़ते क्रम में जाना क्या कहलाएगा, अरोही वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण दोस्तों सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर स्वरों का आना क्या कहलाएगा, अवरोही वर्ण। स्वरों का चढ़ते क्रम से उतरते क्रम में वापस आना क्या कहलाएगा, अवरोही वर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है संचारी वर्ण। संचारी वर्ण में क्या रहेगा, संचारी वर्ण के अंदर आरोही और अवरोही के, देखिए आरोही और अवरोही के मिश्रण को क्या बोलते हैं, संचारी वर्ण। ये आपकी चार डेफिनेशन कंप्लीट होती हैं। स्थाई वर्ण एक बार फिर से देख लीजिए, स्थाई वर्ण किसे कहेंगे, एक ही स्वर पर बार बार ठहराना क्या कहलाएगा, स्थाई वर्ण कहलाएगा। उसके बाद आरोही वर्ण आता है, स्वरों का नीचे से ऊपर की ओर जाना क्या कहलाएगा, अरोही वर्ण। अवरोही वर्ण में क्या होगा, स्वर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वो अवरोही वर्ण होंगे। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल रहेगा सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या हो रहा है, स्वर बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचे बढ़ते क्रम में चढ़ते क्रम में जा रहे हैं, स्वर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। और अवरोही वर्ण में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल रहेगा नी धा पा मा गा रे सा, ये आपका अवरोही वर्ण हो जाएगा। उसी तरह से संचारी वर्ण में क्या रहेगा, संचारी वर्ण में आरोही और अवरोही का दोनों का मिश्रण हो जाएगा। जैसे कि हमने ये ले लिया सारेगा और गारेसा, फर्स्ट में क्या हो गया आरोही वर्ण हो गया और सेकंड में
अवरोही वर्ण। इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? संचारी वर्ण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलंकार की। एक दोस्तों हिंदी में अलंकार होता है, हम हिंदी वाले अलंकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम म्यूजिक के अलंकार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अलंकार जो होता है, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि अलंकार जो है वो कोई भी लिखाई की मतलब जो भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से जो ये अलंकार है, अलंकार हमेशा की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार की ये डेफिनेशन रहेगी इसमें कि जिस प्रकार से स्त्री आभूषण का प्रयोग करती है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, वैसे ही हम अलंकार का प्रयोग गीत की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं म्यूजिक के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर क्या होता है कि विद्यार्थियों को सिर्फ अलंकार ही सिखाए जाते हैं, अलंकार सिखाए जाते हैं स्टार्टिंग में। क्यों? ताकि वो गाने में ज़्यादा खूबसूरती आ सके या मधुरता आ सके। मधुरता लाने के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और अलंकार हमेशा या तो आरोही क्रम में होते हैं या फिर अवरोही क्रम में होते हैं। ये दो टाइप से होते हैं, आरोही और अवरोही। आरोही के अंदर फिर से वही सारे गा रे गा मा, ठीक है, इस तरह से तीन तीन के जोड़े रहेंगे। उसके बाद गा मा पा, इस तरह से चलता रहेगा ये। उस तरह से अवरोही में क्या हो जाएगा, सेम वापस हो जाएंगे स्वरों का ऊपर से नीचे की ओर आना, जैसे कि गा रे सा नी धा पा मा गा रे। तो ये दोस्तों अवरोही क्रम होगा इसका अलंकार में, ठीक है। अलंकार चारों प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल अलंकार में। सरल अलंकार, ये अलंकार अब जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो आएगा कि अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये क्योंकि दो नंबर की डेफिनेशन आएगी तो हमें ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है गीत की शोभा बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। आरोही क्रम में होता है, अवरोही क्रम में होता है। उसके बाद चार प्रकार का होता है, सरल अलंकार, जटिल अलंकार, उर्दू अलंकार और मेरुखंड अलंकार। ये चार प्रकार के अलंकार होते हैं। इस तरह से आपका अलंकार का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कण। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कण किसे कहते हैं? किसी स्वर का, देखिए कोई भी स्वर है, स्वर किसी स्वर का उच्चारण करते समय, किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके जैसे आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करना क्या कहलाएगा? कण कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, उससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने रे स्वर लिया, रे स्वर जो हमारा है मूल स्वर है, मूल स्वर हम उसे बोलते हैं जो हमने पेट स्वर कोई भी स्वर ले रहे हैं उसे मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है। हम मान लो रे स्वर बजा रहे हैं, ठीक है, और रे से बाद में कौन सा स्वर आता है? गा, और उससे पहले ठीक पहले कौन सा आता है? सा। तो क्या होगा, या तो हम इस स्वर को हल्का सा प्रेस करेंगे या फिर इस स्वर को हल्का सा प्रेस करेंगे, दोनों में से कोई भी स्वर ले रहे हैं, या तो आगे का स्वर ले रहे हैं या पीछे का स्वर ले रहे हैं मूल स्वर से अलावा, तो वो क्या कहलाएगा? कण कहलाएगा, ठीक है। हल्का सा स्पर्श करना मूल स्वर से नेक्स्ट स्वर को या पीछे के स्वर को हल्का सा स्पर्श करना क्या कहलाएगा? कण कहलाएगा। ये आपकी डेफिनेशन होगी कण की। अभी हमने ये देखा कि कण किसे कहते हैं, अब हम आगे देखेंगे कि कण कितने प्रकार के होते हैं। कण दोस्तों में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं कण, ठीक है, दो प्रकार के कण होते हैं। एक होता है, फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो होता है पूर्व लगन कण,
इसको समझने के लिए, पूर्व लग्न कर्ण को समझने के लिए आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको। एक कोई भी मूल स्वर लिया हमने, जैसे सा ले लिया, सा हमारा मूल स्वर है। पूर्व लग्न का कर्ण का मतलब ठीक पहले, पूर्व का मतलब पहले, इससे पहले का स्वर, मान लो इसके पहले का स्वर जो होता है वो होता है नी। मूल स्वर है ये हमारे पास बेस, जो बेस स्वर है हमारा, मूल स्वर से ठीक पहले का स्वर जब अगर हम, यदि हम थोड़ा सा भी स्पर्श करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पूर्व लग्न कर्ण कहलाएगा। मूल इसका जो पूर्व लग्न कर्ण कौन सा कहलाएगा, नी क्या हो गया इसका, पूर्व लग्न कर्ण। ठीक है, ये हमारा पूर्व लग्न कर्ण कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो होता है अनु लग्न कर्ण। दोस्तों जिस प्रकार से हमने पूर्व लग्न कर किया, मूल स्वर से ठीक पहले वाले स्वर को पूर्व लग्न कर्ण बोलते हैं, और मूल स्वर से ठीक बाद वाले कर्ण को, जैसे कि हमने गा स्वर को क्या मान लिया, मूल स्वर मान लिया। ठीक है, इसके बाद का स्वर कौन सा होगा, मा। तो ये मा स्वर अगर हम ले रहे हैं, मा स्वर को स्पर्श करते हैं मूल स्वर लेते हुए, हल्का सा इस पे मा स्वर पे आते हैं, तो वो क्या होगा, मूल स्वर के बाद का कर्ण, मूल स्वर से बाद का स्वर यदि हम ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, किसका कर्ण कहलाएगा, अनुलग्न कर्ण। ये आपकी दोनों डेफिनेशन कर्ण की कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से दोस्तों ये आपका तीन टॉपिक कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमने आज, हमने जो टॉपिक किए हैं वो किया वर्ण अलंकार, और थर्ड टॉपिक जो हमारा था वो कर्ण। तो इसी प्रकार से आज ये कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डेफिनेशन और देखेंगे जो आपकी रह गई है, ग्राम मूर्छना वगैरह जो भी है। और इसके अलावा दोस्तों आपने अभी तक हमें समय दिया, टाइम दिया है वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करते हैं कि आप और भी शेयर करें, इसे लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे डीप में और भी स्टडी कराना चाहेंगे आपको।